Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today we will do 10 basic chords on guitar. और इसमें मैंने जितने भी ओपन कॉर्ड्स हैं वो हम लोग कवर करेंगे, और इसमें ए डी ई सारे कॉर्ड्स रहेंगे जो कि आप लेसन में देखोगे. और आज जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हो वो मैंने पहले ही शूट किया था, लेकिन उसमें एक गड़बड़ हो गया था. क्या बताऊँ, मतलब बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे. जब मैंने शूट किया था, दो वीडियो शूट किया था मैंने एक साथ, और पहला था बेसिक, देन दूसरा था एडवांस बेसिक कॉर्ड. उसमें क्या हुआ था कि एडवांस वाला तो ठीक था, लेकिन बेसिक कॉर्ड में ये जो स्ट्रिंग है ये पूरा ब्लर हो गया था. गिटार का जो फ्रेटबोर्ड है वो ब्लर हो गया था, और ये जो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो हो गया था फोकस. इसलिए मुझे ये वाला वीडियो पूरा शूट करना पड़ रहा है, क्योंकि वो मैंने वीडियो आई थिंक आधे घंटे का तक बनाया था मैंने. उसके पता नहीं काट कूट के कितना मिल, आई थिंक कितना होता, लेकिन हाफ एन आवर तक का चला गया था. तो वही मुझे आज करना पड़ेगा. तो इसी बात में आप इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, कमेंट कर देना. एंड इफ़ यू गाइज न्यू इन दिस चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. सो लेसन को शुरू करते हैं. उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये तो पहला वीडियो आएगा, उसके बाद आएगा एडवांस्ड बेसिक कॉर्ड्स, तो वो भी वीडियो देख सकते हो आप. पहले ये अपलोड होगा, उसके बाद आएगा वो. मैं उसका लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पे जब मैं इसको अपलोड करूँगा. और ये वाला जो मेरे पास गिटार है ये है फेंडर का CD60 SE. तो इसका मैंने रिव्यू वीडियो बना रखा है, तो आपको देखना है तो आप देख सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन. तो अभी लेसन को करते हैं शुरू. तो सबसे पहला कॉर्ड हम लोग लेंगे वो है ए मेजर कॉर्ड. वो कैसे प्ले करना है मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम इसको सीखेंगे. तो कुछ साउंड ऐसा आएगा. कॉर्ड्स करने से पहले हमें फिंगर्स के नंबर पता होना चाहिए लेफ्ट हैंड के. तो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4. और अगर आप लोगों को स्ट्रिंग के नेम्स नहीं पता तो ये होता है ई, ये ए डी जी बी ई. और इसके नंबर्स भी होते हैं, स्ट्रिंग्स के नंबर्स, वो है यहाँ से शुरू होता है 6, देन 5, देन 4, 3, 2, 1. ये सारे स्ट्रिंग्स के नंबर हैं और नेम्स होते हैं. ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप ट्यूनिंग करते हो तो ट्यूनिंग के वक्त आप लोग को यही देखना पड़ता है कि ये कौन सा स्ट्रिंग का है और ये कौन सा स्ट्रिंग में आपको ट्यून करना है. तो अगर आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो, वहाँ पे मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें आपको सारे जितने भी गिटार के लेसन्स हैं, ट्यूनिंग, देन फिर कॉर्ड्स, वन कॉर्ड सॉन्ग्स, कितने जितने भी मैंने वीडियोस बनाया है वो सब आपको मिल जाएगा उसमें. तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो. तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं ए मेजर कॉर्ड की. तो कुछ ऐसे प्ले होगा जैसे मैंने आपको बताया था. तो इसमें रहेगा 4th string 2nd fret, 3rd string 2nd fret, 2nd string 2nd fret. तो ये कुछ ऐसा आएगा. तो वैसे ही आपको अगर उसमें करना है फिंगर चेंज करना है तो आप वो कर सकते हो. इसमें सिंपल फ्रेट तो वही आएगा, 2nd fret में आएगा, लेकिन फिंगर आप रख सकते हो 1, 2, 3, कुछ ऐसा आएगा. ये हो गया ए मेजर कॉर्ड, सेम है, साउंड सेम आ रहा है. तो ए मेजर कॉर्ड प्ले करने के लिए हमें 6th string प्ले नहीं करना, 5th से प्ले करना है. 5th का जो मतलब ए का जो बेस नोट है, ये ए स्ट्रिंग है ई ए, यहाँ से आपको प्ले करना है, फिर आपको सारे स्ट्रिंग प्ले करना है. तो इसमें जब आप प्ले करोगे इसमें दिक्कत क्या आता है कि जब ये तो हो जाता है, मतलब जैसे कि 4 और 4, 3, 2 हो जाता है, लेकिन फर्स्ट वाला जो स्ट्रिंग है वो म्यूट आता है. ये जो पिंकी फिंगर है इससे आपका म्यूट आ जाता है. तो आपको इसको ध्यान रखना है कि यहाँ से ये टच नहीं होना चाहिए, 4th finger से ये जो फर्स्ट स्ट्रिंग है ये टच नहीं होना चाहिए. अगर वो टच होगा तो साउंड कुछ ऐसा आएगा, ये म्यूट साउंड आ रहा है. इसको आपको अच्छी तरह प्रेस करना है, देन आपको प्ले करना है. तो नेक्स्ट कॉर्ड है हमारा डी मेजर कॉर्ड, वो कैसे प्ले करना है वो देख लेते हैं. इसमें मैंने क्या किया, 6th string और ये 5th string, इन दोनों को प्ले नहीं करना आपको. डी का बेस नोट प्ले करना है, ये डी है, ई ए डी, डी प्ले करना है, और बाकी जितने भी स्ट्रिंग्स है 3, 2, 1 वो भी प्ले करना है, मतलब 4, 3, 2, 1 आपको प्ले करना है. तो साउंड कुछ ऐसा आएगा.
तो डी में जो फिंगर रखेंगे वो है थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट फर्स्ट फिंगर, फिर फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट सेकंड फिंगर, फिर सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट थर्ड फिंगर। तो ये हो गया आपका डी मेजर कॉर्ड, ये कुछ ऐसा होगा। पहले आपको चेक करने की सारे स्ट्रिंग आ रहा है कि नहीं, सही क्लियर आ रहा है, फिर आप इसको सारे प्ले करिए जितने भी है, मतलब डी में हमारा 4 3 2 1 फिर आपका ये क्लियर आएगा। इसमें भी चांस है कि ये वाला जो थर्ड फिंगर है वो आपका टच हो सकता है फर्स्ट स्ट्रिंग से, तो वो आपको ध्यान रखना है, आपको खुद ही ध्यान रखना है, एक एक स्ट्रिंग प्ले करना है, ये प्ले कैसे आ रहा है, फिर ये ठीक है म्यूट आ रहा है तो देखना है आपको कहाँ पे ये आ रहा है, मतलब कहाँ पे आपका म्यूट साउंड आ रहा है, वो आपको चेक करना है, उसको चेक करके फिर आप इसको ठीक करके फिर आपको उसको प्ले करें। लेकिन स्ट्रमिंग पैटर्न जब हम करते हैं डी मेजर कॉर्ड में, उसमें क्या होता है, ये जो सिक्स स्ट्रिंग है और ये फिफ्थ स्ट्रिंग, ये प्ले हो जाता है कभी कभार। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, जब आपका ये अच्छी तरह हो जाएगा, जैसे प्ले कर लिया आपने इसको ऐसे करके, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो थंब है इस थंब को आपको ऐसे रख देना है, इसमें प्रेस नहीं करना, अभी बिगिनर्स के लिए है ये, तो प्रेस तो करना नहीं है, बस इसको टच करना, अगर टच करोगे तो वो आएगा म्यूट साउंड ये। अगर मैं कोई भी रिदम प्ले करूंगा तो कुछ ऐसा आएगा, अगर मैं अभी इसको हटा दूंगा और अगर मैंने प्ले किया सारे स्ट्रिंग तो साउंड कुछ ऐसा आएगा। अब मैं इसको म्यूट कर रहा हूं, मैं सारे बजा रहा हूं, साउंड नहीं आ रहा। तो आपको वैसे ध्यान रखना कि आप 4 3 2 1 ही प्ले करें, वो आपको आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि इसमें जो है हम लोग सिर्फ ये जो लास्ट के जो 1 2 3 स्ट्रिंग है ट्राई करते हैं उसको प्ले करने का, अगर ये ट्राई करेंगे तो डी अपना बच जाएगा क्योंकि वो थर्ड के पास में ही है। तो इसको आपको ऐसे प्ले करना है, और जब आप एक्सपर्ट हो जाएगा तो बहुत सा मतलब आ जाएगा, तब आप थंब से इसको ऐसे करके रोक सकते हो। अभी हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट कॉर्ड, वो है ई मेजर कॉर्ड। तो ई मेजर कॉर्ड आपको प्ले करने के लिए क्या करना है, तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो साउंड कुछ ऐसा आता है इसका, तो इस ई मेजर कॉर्ड में हमें क्या करना है, सारे स्ट्रिंग प्ले करना है इसमें। ई का जो बेस नोट है ये हमें प्ले करना है, और ये भी ई है हमारा, तो इसमें सारे स्ट्रिंग प्ले करना है। तो इसको होल्ड करने के लिए हमें क्या करना है, तो ई मेजर कॉर्ड के लिए जो फिंगर यूज हो रहा है वो है फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, और मैं अभी फिंगर्स की बात नहीं करूँगा, डायरेक्ट स्ट्रिंग्स और फ्रेट्स की बात करूँगा, क्योंकि फिंगर्स आपको पता ही है कि 1 होता है 2 होता है 3 होता है 4 होता है। तो ई कॉर्ड के लिए फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, देन फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, और थर्ड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट। तो आपको इससे प्ले करना है, इसमें सारे स्ट्रिंग प्ले होगा। तो ई कॉर्ड आपका कुछ ऐसे प्ले होता है, और इसमें भी आपको चेक करना है कि सारे स्ट्रिंग का जो साउंड है वो क्लियर आ रहा है कि नहीं। जब आपका क्लियर आएगा ना सारे स्ट्रिंग के साउंड, तब आप कोई भी पैटर्न कर सकते हो स्ट्रमिंग पैटर्न। और अगर आपको स्ट्रमिंग पैटर्न का वीडियो देखना है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हो, चैनल पर जाके देख लेना। तो अभी नेक्स्ट कॉर्ड है ई माइनर, और ये काफ़ी ईजी कॉर्ड है। ई हम ई कॉर्ड किया था उससे मिलता जुलता है, इसमें हमें बस एक फिंगर हटा देना है। तो कैसे करना है, देखो ये है ई मेजर, अभी हमें क्या करना है, ये वाला जो फर्स्ट फिंगर है इसको हटा देना है, ये हो गया माइनर, सिंपल ई माइनर, इसको रख दें यहाँ पे मेजर माइनर मेजर माइनर। साउंड का डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा, थोड़ा सा हैप्पी सा साउंड है, थोड़ा सा सैड सा, मतलब कह सकते हो, सैड तो नहीं, मतलब ठीक है, मतलब साउंड का डिफरेंस आपको आप लोग को पता होना चाहिए। और इसमें आप लोग ये भी कर सकते हो फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर ऐसे, साउंड सेम ही आएगा, या सेकंड और थर्ड फिंगर भी यूज कर सकते हो, जैसे हमने ई का किया था वैसे। ये वाला जो ई माइनर कॉर्ड है ये काफी इजी है, एक बार ट्राई करना हो जाएगा। अभी हम लोग नेक्स्ट कॉर्ड की तरफ बढ़ते हैं, वो है सी मेजर कॉर्ड। वो कैसे प्ले करना है, कुछ ऐसे प्ले होगा, इसमें हमें क्या करना है, ये जो सिक्स स्ट्रिंग है इसको प्ले नहीं करना, हमें प्ले करना है फिफ्थ 4 3 2 1, ये सारे स्ट्रिंग प्ले करना है। सी कॉर्ड को कैसे होल्ड करना है, इसमें हमें फिफ्थ स्ट्रिंग में थर्ड फ्रेट, फिर फोर्थ स्ट्रिंग में
सेकेंड फ्रेट और सेकेंड स्ट्रिंग में फर्स्ट फ्रेट, ठीक है। इसको आपको ऐसे प्ले करना है और सारे प्ले करना है आपको, 5 5 4 3 2 1, ठीक है। 6 को छोड़ के सारे प्ले करना है। तो ये कुछ ऐसे प्ले होगा, ये जितने भी कॉर्ड्स हम लोग आज करेंगे ना, जितने भी कॉर्ड्स है, ये सारे कॉर्ड्स किसी ना किसी गाने में यूज होता ही होता है। तो आप लोग को ये कॉर्ड्स आना चाहिए, ये बेसिक कॉर्ड्स है, इससे आप ओपन कॉर्ड भी कह सकते हो। ओपन कॉर्ड्स ही है ये, क्योंकि ये सारे, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, तो इसलिए ये ओपन कॉर्ड्स है। बार कॉर्ड्स भी आते हैं इसमें, लेकिन मैंने बार कॉर्ड नहीं लिया, ये मैंने 10 बेसिक कॉर्ड्स लिया जो कि सबको आना चाहिए। तो अभी हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट कॉर्ड, वो है जी मेजर कॉर्ड। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि इसमें हमारा सारे फिंगर्स यूज होते हैं, तो इसका साउंड कुछ ऐसा आता है। तो इसे प्ले करने के लिए हमें क्या करना है, 6 स्ट्रिंग, इसमें हमें सारे प्ले करना है, 6 स्ट्रिंग 3rd फ्रेट, ठीक है, 5th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट, ठीक है। उसके बाद लास्ट के जो 2 स्ट्रिंग है, इसमें हमारा सेम फ्रेट रहेगा, 3rd फ्रेट रहेगा, और जो स्ट्रिंग रहेगा वो 2nd और 1st रहेगा, 2nd 1st, किसमें, 3rd फ्रेट पे। ये मैंने 3rd फ्रेट पे रखा ऐसे, और पहले मैंने इसको रखा, फिर इसको रखा, फिर ये यहाँ पे रखा ऐसे। तो ये हमारा हो गया जी मेजर कॉर्ड, सारे प्ले करने। इसमें थोड़ा सा म्यूट साउंड आ सकता है, यहाँ पे नहीं तो इधर आएगा, ये तो बीच वाले जो स्ट्रिंग्स है ये तो प्ले हो जाएगा, लेकिन साइड में आ सकता है, वो आपको देखना है कि कहाँ पे आ रहा है, उसको आपको ऐसे अगर एडजस्ट करना है कि यहाँ पे आ रहा है तो थोड़ा से पीछे किया वैसे करके आपका आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा जी मेजर कॉर्ड। अभी नेक्स्ट कॉर्ड देख लेते हैं, वो है डी माइनर। तो डी माइनर कॉर्ड कुछ ऐसे प्ले होता है, ये भी डी की तरह है, डी में जैसे हमने 6 और 5th को प्ले नहीं किया था, वैसे डी माइनर में हमें 6 और 5th प्ले नहीं करना, 4 3 2 1 डी का बेस नोट प्ले करना है, और ये कुछ ऐसे प्ले होता है। तो इसको प्ले कैसे करना है, 1st स्ट्रिंग 1st फ्रेट हो गया, फिर 3rd स्ट्रिंग 2nd फ्रेट, फिर 2nd स्ट्रिंग 3rd फ्रेट, ये कुछ ऐसा आएगा साउंड। ये था हमारा डी, ये डी माइनर, माइनर और मेजर, ठीक है। जैसे हमने ई का किया था, ई मेजर ई माइनर मेजर माइनर, तो डी माइनर हो गया। तो उसको भी आपको ऐसे प्ले करना है, इसमें भी आपको देखना है कहीं टच तो नहीं हो रहा, और डी माइनर तो प्ले हो जाएगा इजीली। तो नेक्स्ट कॉर्ड है हमारा ए माइनर, वो कैसे प्ले करना है सुन लेते एक बार साउंड इसका। इसमें हमें क्या करना है, जैसे हमने ए प्ले किया था वैसे ही इसमें प्ले करना है, 6 स्ट्रिंग प्ले नहीं करना, ए का बेस नोट प्ले करना है, और बाकी जितने भी स्ट्रिंग्स हैं वो भी प्ले करना है, 5 4 3 2 1। इसमें हमने क्या किया, 4th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट, 3rd स्ट्रिंग 2nd फ्रेट हो गया ये, उसके बाद 2nd स्ट्रिंग 1st फ्रेट, तो ये कुछ साउंड ऐसा आएगा। एंड आई थिंक आपको ये ए माइनर कॉर्ड समझ में आ गया होगा। इसमें भी चांस है कि आपको जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो म्यूट आ सकता है, क्योंकि इसमें टच होता है, और जब भी आप प्ले करोगे कोई भी कॉर्ड फिंगर टिप से आपको प्ले करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप इसको ऐसे प्ले करोगे, अगर ऐसे किया आपने प्ले, तो ये तो म्यूट आना ही है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप ऐसे प्ले करोगे तो इसमें हमारा क्या हो रहा है कि फर्स्ट फिंगर जो है वो टच कर रहा है हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग को, इसलिए अगर आप इसको ऐसे प्ले करोगे तो ऐसे करके ट्राई करोगे कुछ ऐसे करके प्ले करने का, तो आपका ये साउंड आएगा क्लियर। और ये जो थंब में हम बेसिक कॉर्ड्स में यूज़ उतना नहीं करते, ये हमारा यूज़ होता है बार कॉर्ड में। जैसे अगर मैं कोई भी बार कॉर्ड प्ले करता हूँ तो मुझे थंब का ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन अगर आप बेसिक कॉर्ड कर रहे हो तो आप इसको ऐसे भी प्ले कर सकते हो। जैसे मैं प्ले कर रहा हूँ, ये हो गया, फिर ये आ गया ना, मैंने ऐसे तो नहीं किया, मैंने ऐसे ही किया प्ले, तो ये आपको ऐसे रखना है फिंगर जो था मैं आपको उसको ऐसे रखना है, ये दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये ए मेजर हो गया, ऐसे भी हो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हो कोई दिक्कत, लेकिन अल्टीमेट बात ये है कि आपका जो साउंड है वो क्लियर आना चाहिए,
वो आप ऐसे भी करो या ऐसे करो, लेकिन जो होता है पोजीशन ऐसे होता है, ऐसे फिर ऐसे ऐसे सी हो गया, फिर जी किया हमने जी, फिर डी माइनर, जितने भी अभी मैंने कॉर्ड्स प्ले किए सब में मेरा जो थम था ये ऊपर था। तो हमारा नेक्स्ट कॉर्ड है वो है ए शार्प मेजर कॉर्ड, वो कैसे प्ले करना है वो देख लेते हैं, काफ़ी ईजी है, अभी मैं समझाता हूँ। इसका साउंड कुछ ऐसा आएगा। इसमें मैंने क्या किया, सिंपल जैसे हमने पहला वाला जो कॉर्ड किया था वो था ए मेजर कॉर्ड, ठीक है, उसको शिफ्ट करना है आपको एक फ्रेट नीचे, ये हमारा सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट में आपने किया, साउंड कुछ ऐसा आएगा, ये ऐसा आ रहा है। ये वाला जो फर्स्ट फिंगर है वो आपको रख देना है फर्स्ट रिंग फर्स्ट फ्रेट पे, फर्स्ट फिंगर है, तो जब आप इसको प्ले करोगे तो वो हो जाएगा आपका ए शार्प मेजर कॉर्ड। इसमें हमें क्या करना है कि सिक्स और फिफ्थ दो दो स्ट्रिंग है ये हमें प्ले नहीं करना, बाकी जितने भी स्ट्रिंग्स है वो हमें प्ले करना है 4-3-2-1। तो साउंड कुछ ऐसा आएगा। इसमें देख अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने जो थम है वो मेरे इतना बाहर नहीं आया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा शेप थोड़ा सा डिफरेंट है और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, क्योंकि जब कोई भी बिगनर होता है तो उनके फिंगर ज़्यादा खुलते नहीं है, तो वो खुलेंगे कब, जब आप प्रैक्टिस करोगे फिंगर एक्सरसाइज के, तो वो करना काफ़ी ज़रूरी होता है, तो उसी से आपका फिंगर स्ट्रेच होता है, तो आपको वो करना चाहिए, और इसलिए मेरा थंब जो है वो कुछ ऐसे आया है। तो ये हमारा ए शार्प कॉर्ड जो कि कुछ ऐसा प्ले होता है, साउंड भी कुछ ऐसा आ रहा है, ये भी काफ़ी गानों में यूज होता है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट कॉर्ड, वो है एफ मेजर कॉर्ड, वो कैसे प्ले करना है। और ये वाला जो कॉर्ड है एफ मेजर कॉर्ड, ये सबको डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैं इसको ईजी वे में समझाऊंगा तो आप लोग का अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें जो है, चलो पहले इसका साउंड सुन लेते हैं कैसा होता है। इसमें हमें क्या करना है, ये वाला जो ई स्ट्रिंग है, सिक्स स्ट्रिंग है, इसको प्ले नहीं करना, बाकी जितने भी स्ट्रिंग्स है वो सारे प्ले करने हैं। अभी इसको देख लेते हैं होल्ड कैसे करना है एफ मेजर कॉर्ड को। इसमें हमें फिफ्थ स्ट्रिंग में थर्ड फ्रेट, देन फोर्थ स्ट्रिंग में थर्ड फ्रेट, फिर थर्ड स्ट्रिंग में सेकंड फ्रेट, इसमें हमें फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिंग को दोनों को प्ले करना है एक ही फिंगर से, वो है फिंगर वन, ये वाला फिंगर जो है, इस सब को ऐसे प्ले करना है और फिर आपको देखना है कि साउंड आ रहा है कि नहीं, ऐसा तो साउंड आ ही जाएगा। सॉरी, ठीक है, गाना लग रहा है मुझे, चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं एफ मेजर कॉर्ड कैसे प्ले करना है, तो साउंड कुछ ऐसा आएगा। इसमें क्या होता है कि ये तो प्ले हो जाता है, मतलब ये साउंड तो आता है, लेकिन किसी किसी का सेकंड स्ट्रिंग भी प्ले हो जाता है, लेकिन फर्स्ट वाला जो स्ट्रिंग है वो प्ले करना, वो उसमें म्यूट आ जाता है ऐसे। तो आपको इसको टाइट प्रेस करके, जितना आप टाइट प्रेस करोगे तो आपका साउंड क्लियर आएगा, अगर आप इसको ऐसे ही मतलब रख दोगे तो साउंड आएगा नहीं, अगर आप टाइट प्रेस नहीं करोगे मतलब हल्का किया तो वो साउंड ये म्यूट साउंड आएगा, किसी किसी में आएगा किसी किसी में नहीं आएगा। तो आपको टाइट प्रेस करना, जिससे कि इतना करो कि जिससे कि साउंड क्लियर आए, यानी कि मतलब पूरा टाइट प्रेस करना है, फिर ये अभी मैंने पूरा प्रेशर दे दिया, ऐसा नहीं करना, इतना करना है कि जितना साउंड आ पाए, क्लियर साउंड चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो ये हो गया हमारा एफ मेजर कॉर्ड कुछ ऐसे प्ले होता है। तो फिंगर्स मैंने आपको बता दिया, आपको बस प्रैक्टिस करना है, आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी फिंगर किसी से टच तो नहीं हो रहा, कोई भी स्ट्रिंग से, वो आपको ध्यान रखना है। तो यही था हमारा लास्ट एफ मेजर कॉर्ड, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा एडवांस्ड बेसिक कॉर्ड्स में, तो उसमें आप देखना, उसमें भी मैंने सारे मतलब जितने जो कॉर्ड्स है वो सारे किसी ना किसी गाने में यूज़ होता ही है, और लेकिन वो मैंने पहले ही एडिट कर लिया और ये मुझे अभी करना पड़ेगा, लेकिन मैं पहले ये वाला वीडियो डालूंगा, क्योंकि पहले बेसिक पता होना चाहिए, उसके बाद हम एडवांस सीखेंगे, तो क्योंकि उससे रिलेटेड है, मैंने इसलिए आप वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा, दोनों वीडियो देखोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं पहले ये वाला वीडियो अपलोड करूँगा बेसिक, देन एडवांस्ड बेसिक कॉर्ड में वो आप देखना, तो उसमें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जितने भी बेसिक कॉर्ड्स हैं वो मैंने कवर किया इसमें, जितने मुझे लगे कि हाँ ये कॉर्ड्स आना चाहिए हर एक बिगिनर्स को,
जितने भी गिटारिस्ट सबको आना चाहिए ये कॉर्ड्स, और उसके बाद अगर आप एडवांस में जाओगे तो ठीक है। और वो जो एडवांस वाला जो वीडियो आएगा उसमें ऐसा नहीं है कि, तो वो आपको ईजी लगेगा जब आप बेसिक कर लोगे, बेसिक करने के बाद आप वो ईजीली प्ले कर सकते हो। तो वो वाला देख लेना वीडियो, और इस वीडियो को जितने हो सके आप शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि ये मुझे फिर से मतलब बनाना पड़ा क्योंकि बताया मैंने आप लोग को, और बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक, कॉमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।